तो नौजवान बेरोजगार से तंग आकर दूसरे मामलों से नशे की ऐसी एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, मेडिकल स्टोर से नशीली दवाएं ले लेते हैं, उनसे नशा करते हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि मेडिकल स्टोर पर ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बने कि अगर उस मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं एक मिनट हम रात को एक एक बजे तक बैठने वाले करिए। नौजवान देश की रीढ़ है, अगर ये नशे की प्रवृत्ति कमजोर हो गया तो देश कैसे बढ़ेगा, इसलिए नशे को रोका जाए, कठोर कानून बनाए। अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान से आते हैं, मंत्री जी राजस्थान से आते हैं, तो मेरा ये था कि जब इन्होंने जवाब दिया राजस्थान से चुन के नहीं आते लेकिन राज्यसभा से आते हैं राजस्थान के, तो मेरा ये था कि आप हर स्टेट की बात लंबी चौड़ी आपने जो बात कही, हर स्टेट की आप बात करते हैं, आपके पास पर्याप्त समय भी था अध्यक्ष महोदय। और एक आपके माननीय सदस्यों ने एक बात की थी, कोरोना से पहले जो रेल के स्टॉपेज थे आप उन सबको बाल करें, और एक फलोदी जो मेरे संसदीय क्षेत्र में फलोदी से नागौर, नागौर से डीडवाना नई रेल को चलाएं आप। मंत्री सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सहित देश में बढ़ते नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। समझ बोलते दुनिया भर में नशे की वजह से तकरीबन 2,00,000 मौतें हर साल होती है, और भारत में पिछले 3 सालों में ड्रग्स का बाजार 455% तक बढ़ गया, जो कि चिंतित करने वाला आंकड़ा। समझ बोलते मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से भी सरकार से भी आग्रह रहेगा कि 193 के तहत बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति को लेकर नौजवान आज नशे के अंदर हालात ये हो गए, सब हम गांव के अंदर जहाँ जाते हैं शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो नौजवान बेरोजगार से तंग आके दूसरे मामलों से नशे की ऐसी एक मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें मिजोरम में पहले, पंजाब दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर। 44% ड्रग एडिक्ट नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से 25% को इलाज मिल पाता है, मेडिकल स्टोर से नशीली दवाएँ ले लेते हैं, उनसे नशा करते हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि मेडिकल स्टोर पे ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बने कि अगर उस मेडिकल स्टोर पे नशीली दवाएं एक मिनट साहब समाप्त करो हम रात को एक एक बजे तक बैठने वाले लोग करिए आधा मिनट आधा लास्ट। मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे मेडिकल स्टोर पे जहां नशीली दवाएं बेची जाए वहां के संबंधित अफसर को भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन सकता है, कोकीन, अफीम, डेड राइट, इसमें एक एमडी और नशीली दवाओं का इस तरह का नशा करने की वजह युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ जा रही है। समझ महोदय, मैं मेरी बात तो समाप्त कर दूं, करिए जल्दी करिए। मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे क्योंकि नौजवान देश की रीढ़ है, अगर ये नशे की प्रवृत्ति से कमजोर हो गया तो देश कैसे बढ़ेगा, इसलिए नशे को रोका जाए, कठोर कानून बनाए इस मामले के अंदर। धन्यवाद।